हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, जो कि है वेज इडली, सांभर और चना दाल की चटनी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। इन सबको अच्छी तरह से चला लें। फिर हम इसमें 1 हरी मिर्च, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने घीस कर डाल दिया है। फिर हम 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और कुछ करिया का पत्ता, इसे भी चला लें। फिर हम 6 से 7 काजू ले लेंगे, इसे मैंने बीच से कट करके इसमें डाल दिया है, और 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 गाजर, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 2 टेबलस्पून हम मटर ले लेंगे। इन सबको हम 3 से 4 मिनट के लिए चला लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, 2 कप सूजी, और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए चला लेंगे। चार मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को ऑफ करके इसे एक बर्तन पर निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पहले 1 कप डालने के बाद इसे थोड़ा चला लेंगे, फिर हम 2 कप डालेंगे पानी। और इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम इडली का एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे गर्म होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर फूल गया है थोड़ा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इनो। इनो का पाउडर डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला लें। उसके बाद हम इडली का साँचा लेके उसमें तेल लगा लेंगे। तेल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इडली निकालें तो ये आसानी से निकल जाए। तो इसमें हम बैटर डाल देते हैं। पानी हमारी गर्म हो गई है, अब हम इडलियों को इसमें स्टीम होने के लिए रख देते हैं और ढककर इस कम से कम 15 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो गया है, हमारी इडली रेडी हो गई है। हमने मीडियम फ्लेम पर चलाया था इसे, और इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लें। इडलियों को ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा, तभी ये आसानी से निकलेगी। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितने फ्लफी बने हैं। अब हम सांभर बनाएंगे।
उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप अरहर की दाल। इसे मैंने धोकर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे ढककर कम से कम 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो करके इसे थोड़ा देर पकने देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च। फिर हम कुछ करिए के पत्ते डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 मीडियम साइज की ऑनियन, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है, और 1/2 गाजर, इसे भी मैंने थोड़े मोटे मोटे साइज़ में काट लिया है, और 1 छोटे साइज़ की टमाटर और 1 छोटे साइज़ का बैंगन। इस सबको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट करके इसमें डाल दिया है और इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। गैस के फ्लेम को हम लोग मीडियम में रखेंगे। देखिए सॉफ्ट हो गई है हमारी सब्जियां। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सांभर मसाला, ये आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी आराम से। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसे थोड़े से चला लेते हैं। चलाने के बाद अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने कुकर में पकाया था, अरहर की दाल, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे और इसे उबाल आने देते हैं। देखिए उबाल आ गई है इसमें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इमली का रस डाल देंगे और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे चला लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और याद रहे कि आपने जब कुकर में पकाया था दाल को उस समय भी आपने नमक डाला था। और इसमें 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे और इसे ढक कर थोड़ा उबाल आने देते हैं। देखिए उबाल आ गई है इसमें। अब हम इसमें 1 टीस्पून गुड़ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसे चमचे से इस तरह से कुछ कुछ सब्जियों को हम मैश कर लेंगे। सारी सब्जियों को मैश नहीं करना, बस कुछ कुछ सब्जियों को हम इस तरह से चमचे से मैश कर लेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारी सांभर रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम चना दाल की चटनी बनाते हैं। तो ये मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, उसमें मैं डालूंगी 1 कप चना की दाल। इसे हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम एक बर्तन पे इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे 15 मिनट के लिए भिंगो कर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, इसमें से पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम एक मिक्सर के जार में इसे डाल देंगे और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट इस तरह से बैटर बना लेंगे। अब हम तड़का बनाएंगे। तड़का के लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ये मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। उसमें 1/2 टीस्पून राई और कुछ करिए के पत्ते। फिर हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो हमारी चना दाल की चटनी रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी वेज इडली सांभर और चना दाल की चटनी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। थैंक यू।